अस्सलाम वालेकुम। आज हकीम सईद साहब की बरसी है। एक अजीम शख्सियत जो पाकिस्तान के लिए अल्लाह की तरफ से एक तोहफा थी, वो हमसे आज के दिन जुदा हो गए और उनकी खिदमात पाकिस्तान के लिए उसको गिनवाया नहीं जा सकता। तालीम और ख़ुसूसन तरबियत और यूनानी तरीके से इलाज मालजे की जो उन्होंने अज़ीमुश्शान अदारे कायम किए तालीम के भी और तिब के भी, तो वो आज तक लगातार लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जब भी मैं किसी बच्चे को, यंग आदमी को बताता हूँ कि कौन है जिसको हम ज़िंदगी का पैटर्न जिसका हम फॉलो करें, तो मेरे दिमाग में हकीम सईद शहीद का नाम उभरता है। वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे, पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत करते थे, इंसानियत से मोहब्बत करते थे और वो एक बहुत ज़बरदस्त रोल मॉडल हैं हमारे नौजवान नस्ल को फॉलो करने के लिए, उनके नक्शे कदम पे चलने के लिए। उनका लिबास, वदा खता, उनका अखलाक, उनकी मेहनत आखिरी उम्र तक जो है वो सबके लिए जो एक अच्छा रोल मॉडल हैं फॉलो करने के लिए। उनके बनाए हुए अदारे माशाल्लाह, उनमें अल्लाह बरकत दे रहा है, वो ग्रो कर रहे हैं और कौम की खिदमत जारी रखे हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हकीम सईद शहीद साहब के साथ मेरा ताल्लुक जो था जब मैं फ़ौज में था उस वक्त से कायम हो गया था, और बाद में ये अकीदत जो मेरी है उनके लिए वो बढ़ती रही। और ये भी मैंने कहा था उनकी शहादत पर कि उनका खून जो गिरा है कराची के अपना ज़मीन पर, उसके बाद से कराची में जो कत्लो गारत थी और बहुत ज़बरदस्त हालात ख़राब थे यहाँ के, वो उसके बाद से संवरने शुरू हुए। हम दुआ करते हैं कि उनकी बेटी, जिन्होंने उनके काम को बहुत अच्छे एहसन तरीके से संभाला हुआ है, इस काम में और बरकत हो और ये खिदमत कौम की जो हो रही है, कर रहे हैं, वो जारी और सारी रहे। इस मिशन में हम उनके साथ दिलो जान से शरीक हैं।